आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, कॉन्फिडेंट स्टूडेंट। ये का इसका आंसर क्या है? अरे अब कौन कॉल कर रहा है? श्रुति, हेलो। हाँ श्रुति, हाँ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। हाँ मैं भी कर रही हूँ। हाँ पूछो। हाँ मुझे तो सब क्वेश्चन पता है। हाँ अरे अरे नहीं, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन 16 तो पक्का आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन 15 नहीं, क्वेश्चन 13 आएगा और क्वेश्चन 14 भी। हाँ चल ठीक है, बाय। मैं बहुत बिजी हूँ, बाय। नंबर टू, डाउटफुल पीपल। हेलो। अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है कल के एग्जाम के लिए, वो भी मैथ ही तो है। अच्छा तुमने मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे दिया। ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 तो भी, और ना मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का सर बात नहीं पता, तुझे पता है क्या? पता है मुझे। ठीक है थैंक यू। अच्छा रुक रुक रुक, आओ ना मुझे हर चैप्टर की एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भेज देना। अरे तुम कितने डाउट्स पूछोगे? ठीक है बाय। उफ मुझे तो बहुत डर लग रहा है कल के एग्जाम के लिए, वो भी मैथ की तो है, मैं क्या करूं? नंबर 3, लास्ट नेम प्रिपरेशन स्टूडेंट्स। कल साइंस की एग्जाम है ना, चलो लवली को कॉल करके कुछ डाउट्स क्लियर कर लेती हूँ। So I wanted to clarify the doubts. Tomorrow is 24th only, right? Wait. So can you please? What happened? Why are you telling me to wait? Oh, thank God you stopped. I was telling that tomorrow is not science exam. It's SST exam tomorrow. What? No. I just checked it. It's science exam only. No. What? Wait, let me just check it. I have the timetable. What? It's 22nd and it's SST? Oh my god. Hello, Dikshita, hello? Haha, did you see how she forgot her SST exam? By the way, even I do forget sometimes. And please do comment and let me know how many of you all forget your exams. Anyways, number 4, studious people like me. Yes, studious, not like you, like me. Let's see. क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछ लो। कोई भी क्वेश्चन? हाँ। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल एप्स। सेकंड क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछ लो दीदी। व्हाट आर द टू डोमेन्स ऑफ एआई? व्हाट आर टू डोमेन्स ऑफ एआई?
कंप्यूटर विजन एंड डेटा। हाँ तुमने तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैंने बोला था ना दीदी, पढ़ लिया मैंने। वाह मान लिया, अब तो तुम खा लो। हाँ दीदी मुझे तो पढ़ाई करना है। नंबर 5 द ग्रुपीज। देखते हैं मुझे कौन से ग्रुप में डालेंगे। हेलो, हाँ आई हैव मेड अ ग्रुप, आई हैव एडेड यू आल्सो फॉर दैट। हाँ दिस फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। यस। हाँ एग्जाम के लिए तुमने ग्रुप बना दिया? चलो ठीक है बाय। चलो हासनी को कॉल कर लेती हूँ। हेलो हासनी। हाँ मैंने ग्रुप बनाया एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। हाँ मैं एक मीटिंग भी रख रही हूँ आज। एग्जाम के लिए? ठीक है बाय। चलो अब मीटिंग के लिए टाइम हो गया है, स्टार्ट कर लेती हूँ। हाय हाय रजत और हासनी। हाय हासनी दीक्षिता। हाय चलो पढ़ते हैं। आपको बताया क्या, मैंने श्रुति को गलत चैप्टर बता दिया है और ना मैंने प्रिया को गलत डेट बता दी एग्जाम की। रुको क्या क्या हुआ? हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, गॉसिप करने के लिए। ठीक है पढ़ते हैं। ये रजत ना कुछ भी बात करने नहीं देता है। चलो मैं एक और ग्रुप लग देती हूँ, द गॉसिप गैंग। Thanks for watching this video. There are different kinds of people, but by the end of the day, the message we want to give you is there are few good practices that will help all the students to perform their exams very well. They are first, action-oriented planning. Second, understanding the concept. And third is putting forward all your thoughts onto the paper. So if you follow these three things daily, you will perform very well in your exams. So we would like to sign off with a small note. So if you have the knowledge, the math will automatically follow you. So we'll be back with our next video next week. Bye bye friends.